प्रदर्शन करेंगे। उसी के संदर्भ में आज आप लोग देख रहे हैं हमीरपुर के गांधी चौक पर जो मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं जब से हमारे देश के अंदर जुमलेबाज सरकार आई है, जो बड़े बड़े वायदे इस मोदी सरकार ने लोगों के साथ किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर शिक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, 4 साल बीत जाने के बाद आज इस देश के हालात जो हैं, इस प्रदेश के हालात जो हैं, वो और ज्यादा बदतर हुए। हमीरपुर की अगर बात की जाए, जिस कानून व्यवस्था की बात इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो भी है मौजूदा सरकार, जो भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कानून में पनियाला गांव में जो कल संदिग्ध अवस्था में लड़की की लाश मिली है, पेड़ पे लटकी हुई, उसके बारे में जो हमारी चिंता है बतौर प्रधान ग्राम पंचायत एकानौन, वो ये है कि जो ड्रग माफिया जड़ें अपनी फैला चुका है हमारे प्रदेश में, हमारे हमीरपुर में खास तौर पे, तो उसको रोकने में हमारा जो जिला प्रशासन है, इसके अलावा प्रदेश सरकार है, वो जो भी कदम कारगर उठा रही है तो उसको और ज़्यादा उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन यहाँ पे जो वारदातें हैं सुसाइड की या मर्डर की, और जो खासकर महिलाओं में ज़्यादातर देखने में मिल रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारी जो सारी नारी शक्ति है उसको एक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार और जो हमारा लोकल प्रशासन है उसकी भूमिका को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और हम मांग करते हैं अपनी यूनियन की तरफ से, अपनी जो हमारा ग्राम पंचायत की ओर से भी, कि हमें सुरक्षा का भाव पैदा करवाने के लिए जो लोकल प्रशासन है और जो प्रदेश सरकार है उसमें वो कड़े कदम उठाए, या फिर हमें अपने तौर पे जैसे हम ठीकरी पैरा करते आए हैं पहले भी इन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई असला वेपन्स ऐसा तो प्रशिक्षण नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें रोकने में जो प्रशासन है उसको हमें कई बार आगाह किया है। लगातार हम 2016 से लगातार इस चीज़ पर अपना स्ट्रेस देते आए हैं कि सारे का सारा डिस्टर्ब एरिया है, और इससे पहले भी यहाँ पर बच्चे उठाए गए हैं पनियाला ही गांव का, कम से कम भी 2015 में एक बच्चा उठाया गया था जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, 16 साल का बच्चा था वो। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन यहां पे हो रही हैं जिससे असुरक्षा का माहौल हमारे लोगों में बढ़ रहा है, और उसको रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी।